हेलो गाइस, वेलकम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एक बारी जरा बताना इफ आई एम लाइव, इफ यू कैन सी मी प्रॉपरली. हाय, जस्ट लेट मी नो वंस इफ एवरीथिंग इज गुड और आप मुझे आराम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सो दैट आई कैन गेट स्टार्टेड. वेरी वेल, आई गेस सभी चीजें विजिबल हैं, बहुत बढ़िया से है ना. चलो, वंडरफुल. जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, एक सेकेंड रुकना. ठीक है. गुड मॉर्निंग. सुबह सुबह हो गई आज आप लोगों की. आज आपकी मैंने 7:30 को सुबह नहीं कराई क्योंकि यार संडे था, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप आराम से सो लें. लेकिन संडे संडे अपन क्या करेंगे ना, 10 बजे रखा करेंगे. 10 बजे ठीक भी है, नहीं तो पता चला आप 11 बजे 12 बजे सो के उठ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है. आइए शुरू करते हैं. फिर आज भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसा कि हमारा करंट अफेयर्स होता है कि हम अपने करंट अफेयर्स के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि हमारा पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती हैं और वो एग्जाम में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आती हैं. सराउंडिंग नॉलेज भी हम बहुत सारी लेते हैं और सब कुछ एक बहुत ही प्रॉपर टाइम में, ऑप्टिमम टाइम में हम कर लेते हैं. एक और बात है खास कि आपका जो IBACIO का जो पेपर आया है उसको लेकर के बहुत सारे डाउट आपको आ रहे हैं कि कई लोगों का एक ये चल रहा है कि ये टेम्परेरी वैकेंसी है या परमानेंट वैकेंसी है. ये मैं आज शाम को ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा. आई विल टेक अ सेशन ऑन दैट कि क्या है क्या नहीं है और कितने करंट अफेयर्स. ये यहां पर हम जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली आपके SSC और IBPS दोनों में, दोनों के हिसाब से इनको ट्यून कर दिया गया. जब से एप्लीकेशन आई है तो थोड़ा सा ये अब ट्यून कर दिए गए हैं ACIO के हिसाब से भी. तो मेक श्योर कि आप इसको लिखते जरूर रहे. ना लिखो तो आपको टेलीग्राम जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल है AmanSRV, आप यहां पर जाकर के डेली का डेली इसके PDF जरूर से आप डाउनलोड कर लें. और मैंने एक और चीज देखी, आप लोग PDF में थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, लिखते नहीं है. तो आज के जो PDFs हैं उसमें कुछ और अलग चीज भी मैंने कर दी यार, इतना सब हो गया है. अब जो PDFs आएंगे ना वो सारे सारे मैं ऐसे कर रहा हूं इस तरीके से, ताकि एक तो पढ़ने में भी आपको बहुत आराम रहेगी. ये सारे जो है, ये कल बैठ करके मैंने सारे ग्राफिक्स जो है ये बनवा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसान रह जाए, क्योंकि आप लोग PDF भी बड़े मकारी बहुत है यार, आप PDF भी नहीं पढ़ते हैं पूरी की पूरी. सो आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू द ग्राफिकल फॉर्मेट ताकि आप देख सकते हैं पूरा ग्राफिकल पे जा रहा है, ताकि याद करने में ना ज्यादा आसानी हो और आपको याद बहुत अच्छे से रहे. क्लियर है? तो ये काम जरूर कर देना. चलिए आइए, अब सुनिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पे आते हैं. आज की अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं. आज की हमारी शुरुआत हो रही है, फर्स्ट चीज जो हमारी आ रही है, नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी तो पहला चीज आ रही है हमारी. ये हमारा अकेडमी न्यूज बुलेटिन है, ये हमारा डेली सुबह का सुबह 7:30 पे होता है, संडे को 10 बजे होता है, और इसके बाद में आपकी एक स्पेशल क्लास है जो इसी के MCQ उस स्पेशल क्लास में होंगे. राइट, चलिए आइए शुरू कर रहे हैं. लीजिए, तो यहां पर आ रहे हैं नेक्स्ट उसके ऊपर. लीजिए, अच्छा एक चीज ये है कि आप लोगों को जो भी अनअकैडमी प्लस पर नए हैं, आप लोगों को बहुत सारे वहां फ्री सेशन चलते हैं, मेरे स्पेशल क्लासेस बहुत सारी चलती हैं, क्विज चलते हैं, तो वो सारे के सारे यू कैन यूज दिस अनलॉक कोड यूज करना पड़ता है. यू कैन यूज दिस टू अनलॉक ऑल दोस फ्री आइटम्स. आओ आज की शुरुआत कर रहे हैं. सबसे पहले देखिए, कल मनाया गया गोवा लिबरेशन डे. गोवा लिबरेशन डे का मतलब क्या है, ध्यान से समझना यार. गोवा वॉज अ कॉलोनी ऑफ पोर्टुगीज. गोवा जो है वो पोर्टुगीज की कॉलोनी थी. तो पोर्टुगीज की कॉलोनी होने का मतलब क्या है, पोर्टुगीज की कॉलोनी होने का मतलब यह है कि देखिए, पोर्टुगीज वर फर्स्ट टू कम 1498 में, पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आए. और ये गए कब है, ये 1947 में तो ब्रिटिशर्स से हमको आजादी मिली है ना. और खाली ब्रिटिशर्स नहीं, थोड़ी ना भारत कैप्चर किया हुआ था, गोवा वाला जो पूरा एरिया है वो कैप्चर्ड था पोर्टुगीज द्वारा. 1947 में सिर्फ ब्रिटिशर्स गए थे इंडिया से, पोर्टुगीज नहीं गए थे. पोर्टुगीज वाला जो एरिया है आपका था दमन एंड दीव और गोवा. तो गोवा को 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडियन आर्मी को गोवा में जाने को बोला. और इंडियन आर्मी ने जितना भी पुर्तगाली जितना भी पोर्टुगीज थे उन सबको वहां से हटाया है, यानी आर्मी भेज करके स्टेट को खाली कराया गया है. वो दिन कौन सा था जब गोवा खाली हो गया और इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में मिल रहा है, दैट वॉज 19th of December इन कॉमेमोरेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस फ्रीइंग गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज रूल. तो ये पहले पोर्टुगीज था, इसीलिए आपने अगर वो मूवी देखी हो, देयर इज अ मूवी ऑफ सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा एंड अक्षय कुमार, आई गेस मुझसे शादी करोगी,
उस मूवी में आपने देखा है कि जो घर है, अगर आप कोई भी गोवा की मूवी अभी भी इनफैक्ट आप देखना, आप कोई गाना सुनना उस मूवी का, आपको दिखेगा कि वहां के गोवा के जो घर हैं बड़े कलरफुल्स हैं। आपको ऑरेंज कलर के घर दिख जाएंगे, पूरा घर ऑरेंज कलर का, येलो कलर के घर दिख जाएंगे, ब्लू कलर के घर दिख जाएंगे। ये घर आपको नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, बिहार में, यूपी में या साउथ इंडिया में कभी देखने को नहीं मिलते भाई। नीले, पीले, नारंगी, गुलाबी, ऐसे घर हम नहीं रखते। ये कल्चर जो है ना कलरफुल घर का, ये कल्चर किसका है? पोर्टुगीज का था, तो वो तब से वहां पर चला आ रहा है। इसी में गोवा में जितने चर्च है ना वो पोर्टुगीज चर्च है। और ये थे कौन? दीज पोर्टुगीज लोग जो थे वो क्रिश्चियंस थे। आपने एक नाम सुना होगा, गोवंस हैं। हम कौन है? हम गोवंस हैं। तो गोवंस कौन होते हैं? जो पोर्टुगीज क्रिश्चियन होते हैं ना, पोर्टुगीज क्रिश्चियन और इंडियन, मान लीजिए पोर्टुगीज क्रिश्चियन मेल और इंडियन फीमेल, इनसे जो भी संतान पैदा हुई, इंडियन फीमेल, इनसे जो भी संतान पैदा हुई ना, उनको बोलते थे लूसो इंडियन। आज वही लूसो इंडियन जो है उनको बोलते हैं लूसो इंडियन, और आज वही लूसो इंडियन जो है वो गोवंस के नाम से कहलाए जाते हैं। यानी जो नेटिव गोवा के लोग हैं ना, वो एक्चुअल में और कोई नहीं है, वो इंडिया और इंडियंस और पोर्टुगीज का एक मिक्स रेस है वो। समझ गए? वंडरफुल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखिए। सो नेक्स्ट पे आते हैं, गोवा लिबरेशन डे आपने देख लिया, 1961 में हुआ ये, ठीक है। आइए, ये कब हुआ है? 1510 में पोर्टुगीज कॉलोनाइज इंडिया, कंकरिंग मेनी पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, आपने ये देख लिया। फिर क्या हो रहा है? ये चलता रहा अक्टूबर 1946 से। उनसे कई बारी एक्शन गोवा में, गोवा के लोगों ने ही कई बारी डिमांड किया कि हमको जो है ये गोवांस के पोर्टुगीज रूल से हटा लिया जाए और इंडिया में शामिल किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली व्हाट हैज हैपेंड, 18th एंड 19th ऑफ दिसंबर 1961, आफ्टर फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी विद पोर्टुगीज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑर्डर्ड, व्हाट डिड ही ऑर्डर? टू टेक गोवा बाय फोर्स। यानी देखो भैया, ऐसा है, बहुत मना लिया, बहुत हुआ सम्मान, अब आप जा सकते हैं, अब हम आर्मी भेज रहे हैं आपको यहां से भगाने के लिए। सो 1961 में, 18th एंड 19th में क्या हुआ? इंडियन ट्रूप्स गोवा गए और वहां से गोवा को इंडिया में शामिल कर लिया गया। याद रहेगा ये? चल आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, गोवा पोर्टुगीज भारत से गए कब? 1961। और यही कारण है कि हम बोलते हैं पोर्टुगीज वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, क्योंकि आए तो सबसे पहले थे ना यार, ये आए थे 1498 में, और गए कब है ये? ये गए हैं 1961 में, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, क्लियर? यही कारण है उसका। आगे बढ़ रहे हैं यार, फीफा अवार्ड्स। तो फीफा अवार्ड्स दिए गए हैं, अभी इसमें भी डाउट होता है कई लोगों को, अभी मैं ये भी समझाता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेंस बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ही इज फ्रॉम पोलैंड। वुमेन्स बेस्ट प्लेयर अवार्ड, ल्यूसी ब्रॉन्स। बेस्ट मेंस कोच अवार्ड, जिगर क्लॉप। एंड बेस्ट वुमेन्स कोच अवार्ड, सेरिना विगमन। ये सारी कहानियां तो ठीक है, नाम तो हमको दिख रहे हैं, याद तो नहीं हुए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आई डोंट नो व्हाट फीफा इज, मेरे को नहीं पता है। कितने लोगों को चाहिए बताइए, कितने लोगों को डाउट इसमें है कि यार फुटबॉल में, सॉकर में, फीफा में क्या अंतर है? या फिर ये जो हम कई सारे क्लब सुनते रहते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना या इस साइड के जितने भी चेल्सिया जो भी क्लब हैं, हम दिखाने के लिए तो बोल देते हाँ हाँ ओके ओके अच्छा चेल्सिया चेल्सिया गुड, तो हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में होता क्या, चेल्सिया, मैन्यू, ये सब है क्या? कम ऑन क्विकली, बिंदास बताइए जल्दी से, बस हाँ बताने की स्पीड अच्छी रखना, बाकी सब चिल है, ठीक है ना? बताने की स्पीड सही रखना, एक सेकेंड रुकना जरा। ऑल राइट, जस्ट अ सेक, साउंड यार जरा एडजस्ट कर लूं, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, ओके। सो इसको समझिएगा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सुनिए, देखिए इसमें है क्या, इसको समझिएगा। यहां पर हम करके आ रहे हैं, बेसिकली पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ रग्बी चलता था, रग्बी को एक अलग नाम देने के लिए क्या करा गया, इसका नाम कर दिया गया क्या चीज? आप लोगों को कॉमेंट्स नहीं आ रहे, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? मुझे क्यों नहीं दिख रहा यार? अच्छा, ओहो, मेरा नेट, लैपटॉप की नेट कनेक्टिविटी चली गई है, फोन पे तो दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो बस ठीक है, दिख रहा है। देखिए हुआ क्या, पहले एक्चुअल में क्या होता था, ये सिर्फ रग्बी बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ करता था। सर रग्बी से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया गया 1948 में, क्या किया गया रग्बी से डिफरेंशिएट करने के लिए? इसका नाम रखा गया फुटबॉल 1948 में। फिर क्या हुआ 1972 तक आते आते क्या करने गए, 1972 में द फुटबॉल क्लब या फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से इसकी चैंपियनशिप लड़ी जाने लगी। वही फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो बाद में कन्वर्ट हो गई 1978 के आसपास, ये बाद में कन्वर्ट हो गई फीफा में। तो फीफा अब क्या है, बेसिकली हर चार साल में लड़े जाने वाला
एक कप है, पहले यही फुटबॉल कप 4 साल में एक होता था जिसको रीनेम करके कर दिया गया है फीफा, राइट। दूसरी बात सुनिएगा, अब ये बात आती है कि यार ये चेल्सिया, रियल मैड्रिड, ये सब क्या है, इसमें डाउट होता है अपने को। सिंपल से समझना, बड़ी ही सिंपल स्वच्छ क्लीन भाषा में, कि आपने आईपीएल की टीम देखी है। आईपीएल की टीम क्या होती है, इंडियन प्रीमियर लीग जो है, इसमें प्राइवेट टीम होती है ना, यानी एक टीम शाहरुख खान की होगी कोलकाता नाइट राइडर्स, एक टीम मान लीजिए मुंबई इंडियंस ये रिलायंस की होगी यानी मुकेश अंबानी जी की होगी। अब समझिए, ये प्राइवेट टीम होती है ना, इनका नाम मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग्स है, बेंगलुरु राजस्थान रॉयल्स है, ये सब है। इसी तरीके से जैसे आईपीएल की टीम होती है ना, प्राइवेट टीम होती है ये, वैसे ही फीफा में भी क्या होता है, फुटबॉल में भी क्या होता है, ये प्राइवेट टीम होती है, ये क्लब होते हैं। क्लब का मतलब कुछ नहीं है कि एक मालिक है उस क्लब का और उसने अपनी टीम खरीदी हुई है। दैट इज हाउ दीज टीम्स आर। तो जैसे आईपीएल में टीम होती है ना, प्राइवेट टीम होती है, वैसे ही फीफा में भी टीम होती है, समझ गए। तो हो सकता है आप चेन्नई सुपर किंग्स को, आप सीएसके को आप सपोर्ट करते हो सकता है आप क्या बोलते हैं इसको कोलकाता नाइट राइडर्स को आप सपोर्ट करते हो। तो जिस क्लब को आप सपोर्ट करते हो उसके आप क्या हो जाते हो, आप एक उसके फैन फॉलोवर हो जाते हो। ऐसे ही फीफा में क्या है, जिस भी क्लब को आप सपोर्ट करते हो, आप बाका सपोर्ट करते हो, आप मैन्यू सपोर्ट करते हो, आप चेल्सिया सपोर्ट करते हो, जो भी आप सपोर्ट करते हो, ये आप वो आप उसके फॉलोवर हो जाते हो। बात समझ आ गई, डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर। चलो वेरी गुड। आइए, सो यहां पर क्या आ जाएगा, फीफा क्या है, कई लोग पूछ रहे हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी ये खुद में क्या है, जैसे वर्ल्ड कप नहीं होता है वैसे ही क्या हो गया, फीफा हो गया, जो ऑर्गेनाइज हो रहा है। कैसे बना हुआ है, 7 कंट्रीज, 21 मई 1904 में क्या हुआ, इट इज फॉर्म बाई 7 कंट्रीज। हेडक्वार्टर्स कहां पर है, फेरिस फ्रांस में। ये पहले क्या था, द फुटबॉल क्लब हुआ करता था, जो बाद में जिसका नाम चेंज हो गया। चेयरपर्सन कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। द फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा इज द लार्जेस्ट टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल जो हमने देखा। फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, तो फीफा वर्ल्ड कप कुछ नहीं है, पहले इसको फुटबॉल वर्ल्ड कप बोलते थे, अब ये फीफा वर्ल्ड कप हो गया है। आया कैसे, पहले रग्बी चलता था, रग्बी से डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इसका प्लेइंग स्टैंडर्ड अलग होता है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसका नाम रख दिया फुटबॉल। फिर वहीं से इसका नाम चेंज होकर पड़ गया फीफा। आपको सारी क्लैरिटी आ चुकी है कि कैसे बना हुआ है ये एक इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का, ये इसका फुल फॉर्म ये है। देन 7 कंट्रीज ने मिलकर के इसको बनाया हुआ है। तीसरी बात, क्लब्स क्या होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया कि क्लब का कंट्री से कोई ऐसा वो नहीं है, क्लब बेसिकली प्राइवेटली ओन टीम होती है और कुछ नहीं होता क्लब, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है, राइट। आओ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, वेरी गुड। अभी देखिए बैचेस की बात हम लोग एकदम एंड में करेंगे, बिल्कुल एंड में करेंगे बैचेस की बात, अभी हम लोग इसको देखते हैं, फिर वी विल डिसाइड अबाउट दी बैचेस एज वेल, राइट। आओ अब हमारे 4th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ है नई दिल्ली में। देखिए समझिए, ईमानदारी से बताइएगा, बहुत ईमानदारी से, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको भारत की इंडियन आर्मी ने कितने वॉर लड़े हैं आज तक, आपको सबको मालूम है, बताइए ईमानदारी से बताना, ऐसा मत करना कि और आपको ईयर मालूम है, क्यों लड़ाई हुई थी ये मालूम है, छोड़ो। सवाल नंबर 2, ये बताइए कारगिल जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, कारगिल कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर मत बोलिएगा, सबको पता जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहां पर है, एलओसी के इधर है, एलओसी के ऊपर है, पीओके एरिया में है, अक्साई चेन और पीओके के बीच में लाई करता है, कहां पर लाई करता है, कारगिल की अगर मैं बात करूं तो कहां पर लाई करता है, ठीक है चलिए नहीं याद है। अच्छा तो यह समझिए, क्या मतलब हमने, आपने एक और चीज देखी होगी यार कि हमारे अंदर नेशनलिज्म वो फेसबुक वाला तो बहुत होता है, ये कोई ठीक है नहीं आता, अच्छी बात है आपने एक्सेप्ट करा इस बात को। कायदे से हमें ना रूट्स पता होना चाहिए कि हमने क्या अचीव किया है, हमने क्या खोया है, ये सारी चीजों के लिए हमारे मिलिट्री ने क्या क्या किया हुआ है, तो ये सारी चीजों के लिए ही। अब देखो ये कितना जरूरी फेस्टिवल है, 4th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि आज की यूथ को मालूम ही नहीं है कि इंडियन आर्मी ने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे काम किया, ये आज की यूथ को नहीं मालूम है। तो इनका काम थोड़ा सा मैं भी कर देता हूं, मैं भी आपको इस मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में मिलिट्री ने जितनी फाइट्स आज तक लड़ी हैं अभी मैं आपको वो भी बताने जाऊंगा, ताकि अब आप ये चीज कभी ना बोले कि हाँ मुझे नहीं पता है, अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। देखिए नई दिल्ली में ये हुआ है, एन इनोवेशन इनिशिएटिव टू लेट पीपल इन जनरल स्पेशली यूथ, ये इसीलिए करा सरकार ने, टू गेन नॉलेज अबाउट दी वॉर्स फॉट बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, एक्चुअल में भारत की यूथ को ये बात मालूम होना चाहिए, इसीलिए मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वेटरन्स एंड इम्बाइब द पैट्रियोटिज्म, आपके अंदर रियल पैट्रियोटिज्म आने के लिए यह चीज करी गई है कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सी लड़ाई कहां पर कैसे क्या लड़ी गई कब लड़ी गई। आइए
देखते हैं इसको, समझिएगा, आएंगे यहां पर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा हुआ क्या था, दिस द फर्स्ट कश्मीर वॉर, दिस इज द फर्स्ट कश्मीर वॉर। फर्स्ट कश्मीर वॉर क्या था ये समझिएगा। देखिए आजादी के टाइम पर क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग दी हुई हैं। मेरा काम ये होता है कि मैं बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कोशिश करता हूं आपके सामने उसको प्रेजेंट करने का। सुनना, हो क्या रहा है, हुआ ये था कि राजा हरि सिंह ने मना कर दिया कि हम ना ही, आजादी के बाद ब्रिटिशर्स ने ये क्लॉज छोड़ा था अपनी एक्ट में कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, यानी जितने ऐसे स्टेट हैं जिनमें राजा गवर्न कर रहे हैं, वो या तो पाकिस्तान के संग जाएंगे या फिर भारत के संग आएंगे, और वो अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स बोल के गए थे। राजा हरि सिंह उस समय वहां पर इसमें थे, क्या बोलते हैं, कश्मीर के राजा थे, जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे। उन्होंने बोला ना तो मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा और ना ही मैं इंडिया के साथ जाऊंगा, मेरे को अपना इंडिपेंडेंट रहना, मेरे को किसी के संग नहीं जाना। फिर यहां पर ये बात बोली गई, उस टाइम पर हुआ क्या, फिर पाकिस्तान ने अपने, इनको बोलते थे पश्तून ट्राइब, पश्तून क्या होता है, अफगानिस्तान के साइड के एक छोटा सा गांव ट्राइब टाइप का होता है, वो लड़ाकू होता है। लड़ाकू मतलब उनका काम ही होता है मारना काटना पीटना, यही काम ही होता है, वो वहाबिज्म फॉलो करते हैं। तो पश्तून ट्राइब को भेजा किसको, कैप्चर करने के लिए, कि ये हरि सिंह मान नहीं रहे, अपने अपनी आर्मी नहीं भेजी, अपने लड़ाकू भेजे, यानी कि आतंकवादी भेजे, कि वहां पर कश्मीर को कैप्चर करके ले आए। राजा हरि सिंह की सेना इतनी थी नहीं कि वो पश्तून टाइप को चैलेंज कर पाए। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करा कि आप एक काम करिए कि हमारी मदद कर दीजिए। इंडिया पुट अ कंडीशन, हम क्यों मदद करें, आप हमारे तो है नहीं, हम आपकी मदद करेंगे अगर आप हमारे हो जाए। तो राजा हरि सिंह अग्रीड कि ठीक है, आप अभी हमारी मदद कर दीजिए, अभी हम आपके साथ आ जाएंगे, बाद में हम कश्मीर के लोगों से एक रेफरेंडम करवाएंगे कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के संग जाना है। इंडिया अग्री, ठीक है ऐसा हो जाएगा। सो दैट वाज द मोमेंट इंडियन आर्मी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आज इंडियन आर्मी टू गो एंड फाइट देयर, एंड इंडियन आर्मी पुश्ड ऑल द पश्तून ट्राइब बैक टू द पाकिस्तान। उस समय तक जितना एरिया उन पश्तून ट्राइब ने कैप्चर कर लिया, आज वही एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर माना जाता है। और क्योंकि जब इंडियन आर्मी ने स्वीप करना शुरू किया, इंडियन आर्मी ने अपनी स्वीप जो शुरू करी वो ईस्ट से वेस्ट की ओर शुरू करी, तो वेस्ट तक तब तक काफी ज्यादा पकड़ बना चुके थे वो लोग, और ईस्ट से इंडियन आर्मी ने साफ करना शुरू किया था। तो ईस्ट वाला पार्ट जो है आज भी वो पूरा हमारा है, और नॉर्थ वेस्ट और थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट जो है तब तक वहां पर काफी ज्यादा लोग आ चुके थे, काफी उनका एरिया कैप्चर हो चुका था। दैट बिकेम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्लियर हो गया। तो ये पहली लड़ाई हुई थी भारत ने आज तक की, इंडियन आर्मी ने जो ऑफिशियल पहली लड़ाई किसी और कंट्री के संग लड़ी थी, दैट वाज द फर्स्ट कश्मीर वॉर। ये क्यों था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स था टेरिटरी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के द्वारा। जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर का साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू ज्वाइन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 1948, यानी 2 अक्टूबर 1948 को जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का एक पार्ट बन गया। बात समझ में आ गई कि क्यों कश्मीर समस्या है, यही बात है यहां की, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। फिर दूसरी लड़ाई आ रही है यहां पर, साइनो चाइना वॉर, साइनो इंडिया चाइना वॉर आ रहा है 1962 में। साइनो इंडिया चाइना वॉर क्या बोल रहा है, इन्होंने हुआ क्या, मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, शिमला अग्रीमेंट हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस, उसमें मैकमोहन लाइन बना दी गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना ने यह बात नहीं मानी और मैकमोहन लाइन के इधर की तरफ, यानी उससे इंडिया की तरफ क्या करने लगे, वो आगे बढ़ने लगे और उस एरिया को भी कैप्चर करने लगे। इसीलिए हुआ था साइनो चाइना वॉर, ये हुआ था, ये आपका मैकमोहन लाइन बनाई गई थी शिमला कॉन्फ्रेंस में 1913-17 में। तो दिस वॉर हैपेंड इन 1961 एंड 1962, 1961 और 1962 में ये आपका वॉर लड़ा गया है, 1961-1962। इंडिया हाउएवर कुडंट विन दिस वॉर। चलिए नेक्स्ट पर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। पाकिस्तान के हालात उस समय ऐसे थे कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पहला था आपका पाकिस्तान जिसको अपन वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और एक था ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहलाता है। इनके बीच में एक वॉर शुरू हुआ क्योंकि इनको चाहिए था इंडिपेंडेंस, चाहिए थी इनको इंडिपेंडेंस, किसको चाहिए थी, बांग्लादेश वाले एरिया को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, क्योंकि वो कह रहे थे हम डेवलप नहीं हो पा रहे आपके अंडर में। सो व्हाट हैपेंड वाज, वहां पर मुक्ति वाहिनी एक ऐसी सेना बनी वहां पर जो बांग्लादेशियों ने खुद में बना ली थी, इंडिया ने भी उसको सपोर्ट किया था उसको, और
सबने एक यूनाइटेड फ्रंट रखा पाकिस्तान के सामने, इंडिया मुक्ति वाहिनी यहां पर अगर आप देखेंगे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो कि आज है, एंड इंडियन आर्मी क्रश दी मुक्ति वाहिनी। एक तो मुक्ति वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी किसकी थी, बांग्लादेश की अपनी सेना बन गई मुक्ति वाहिनी, और दूसरा कौन था, इंडियन आर्मी। इन्होंने साथ में मिलकर के पाकिस्तानी फोर्सेस को हटाया। दैट हैपेंड इन 1971, और इसीलिए 16 दिसंबर को हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर को यह वॉर बहुत, 3 दिन खाली चला था, 3 दिन में पूरा पाकिस्तान का जितना भी आर्मी थी वो साफ हो गई थी, 3 दिन में उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया था, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड। और यहां पर क्या हुआ था कि बांग्लादेश उसी दिन लिबरेट हो गया, ईस्ट पाकिस्तान से अब उसका नया नाम पड़ा बांग्लादेश। क्लियर हो गया, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैकमोहन लाइन क्या है, देखिए मैकमोहन लाइन जो है, समझिएगा, मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है ना, दैट इज कॉल्ड एज मैकमोहन लाइन। फिर एक और आ रहे हैं, कारगिल वॉर कब हुआ है, 1999 में हुआ है। लास्ट वॉर जो आ रहा है पाकिस्तान के साथ में, ये हमारा लास्ट वॉर आ गया है। That happened, this happened in 1999. और यहां पर क्या हो रहा है, वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन नोटिस इन द कारगिल। सो कारगिल एरिया में क्या था, इन्फिल्ट्रेशन देखा गया, यानी यह देखा गया कि वहां पर कोई आ रहा है वो, और कारगिल कहां पर है समझो, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जरा यहां पर देखो, आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन ये एक्चुअल में एलओसी है, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो ये एलओसी है। अगर आपको ये दिख रहा हो यहां पर, ये देखिए, ये होता है कारगिल यहां पर, और ये समझिएगा ये आ जाता है, ये एलओसी है। तो आप देख रहे हैं एलओसी के अंदर में, ये एलओसी की लाइन, एलओसी के अंदर। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से दीज उनके जितने भी सोल्जर वगैरह थे, ये कारगिल में आकर के बैठ गए। कारगिल का एरिया कैसा एरिया था, कारगिल की जो पोस्ट थी वैसी पोस्ट थी जो कि ऊंचाई पर थी। प्रॉब्लम ये होती है जब कोई ऊंचाई पर बैठा होता है तो वो अगर एक पत्थर भी खींच के मारेगा ना, तो वो आउट ऑफ ग्रेविटी वो पत्थर भी इतना बड़ा लगेगा आकर के कि नीचे वाले का तो सर खुल जाएगा। ऊपर वाले, ऊपर जो भी बैठा होता है उसको लोकेशनल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या हुआ, कारगिल का एरिया हमारा अपना ही एरिया था जहां पर जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और अब वापस से उनको हटा दिया गया, एंड इंडियन आर्मी रिकैप्चर्ड अगेन। दैट वाज द वॉर ऑफ कारगिल इन 1999। क्लियर हो गया, चलिए तो अभी क्या करेंगे, ग्रेट। सो अभी क्या हुआ, अपने को ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई कितने वॉर हुए हैं, आपको सारी बात क्लियर है ना, कितने वॉर हुए हैं इंडिया के आज तक के, जितने भी वॉर हैं आपको बढ़िया से क्लियर है, ऊपर ऊपर आइडिया आपको लग चुका है। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्या हुआ था, किस वॉर में क्या चीज हुई थी, एयरफोर्स की वजह से जीते थे या क्या हुआ था, कैसे एंड मोमेंट पे कौन कौन सी चीजें हमारे फेवर में काम कर गई थी, हमने कैसे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम कैसे उनसे बचे थे, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कभी कभी किसी किसी लेक्चर में एक एक वॉर उठा लेंगे, उसको देखेंगे डिटेल में। खैर आपको एक आइडिया लग चुका है कैसे क्या होता है। आइए अब समझ रहे हैं इंडिया ने अभी क्या किया, 3 हमने इंडिजिनस मिसाइल्स, यानी कि वो हमारी अपनी मिसाइल है, हमने उनको अभी पूरी तरीके से, पूर्णतया हमारी मिसाइल है, और हमने उसको क्या करा, इसमें हमने अभी उसको इनकल्केट किया है, यानी आर्म फोर्सेज में 3 मिसाइल डाली गई है। कौन कौन सी, इंसास, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम, एक इसको, इसको इंडियन नेवी में करा गया है, इसको इंडियन फोर्स में करा गया है, और इसको इंडियन आर्मी में करा गया, यानी बॉस इंडियन आर्मी में। इसके बाद एस्ट्रा MK1, एस्ट्रा किस में आया, इंडियन एयरफोर्स में। याद करने का तरीका समझना क्या है यार, एस्ट्रोलॉजी हवा में होती है ना, एस्ट्रोनॉमर हवा में होता है ना, तो यहां पर क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स में होगा, इसका मतलब ये बॉस इंडियन आर्मी, आप समझ रहे हैं। एंड देन इमसास में क्या हो गया, ये तो दिख रहा है आपको, मैरीटाइम वाला एम है तो मैरीटाइम है, यानी ये नेवी में होगा। क्योंकि आपसे पूछता सवाल कैसे है, इनमें से कौन सी मिसाइल जो है वो नेवी में इंडक्ट करी गई है, कौन सी करी गई है आपको यहां पर किसमें, क्या बोलते हैं आपको, एयरफोर्स में करी गई है, कौन सी आपकी आर्मी में करी गई है, याद रखने के लिए और आसानी से ये, तो ये आपके पास एक ये है। बॉस क्या है, ये एक ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है, ये क्या करेगा समझना, ये डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम करेगा, दिस इज अ ग्रेट फीट। बॉस से क्या होगा, ये एक सर्वेलेंस सिस्टम है, दिस इज नॉट अ मिसाइल, दिस इज बेसिकली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, एंड इट्स अ डीआरडीओ बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम, जो ये बताता है कि कौन सी, अगर कहीं पर एनिमी एक्टिविटी हो रही है थोड़ी सी भी, इनके सेंसर्स बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड सेंसेशन यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, जो बातें मैं आंखों से देख सकता हूं वो मैं सिर्फ विजिबल लाइट देख सकता हूं, राइट, रात में विजिबल लाइट होती नहीं है तो मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आंखों की एक लिमिट है, इसीलिए जितना इन्फिल्ट्रेशन होता है वो सब रात में होता है। और ये जितनी सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स होती हैं, व्हाट दे यूज,
ये यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होती है? विजिबल लाइट में तो काम करती करती है, साथ में इंफ्रारेड के ऊपर भी काम करती है, ठीक है। इंफ्रारेड ऐसा होता है कि यार हीट रेज बॉडी से जो निकल रही है, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट होगा उसकी बॉडी से हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते रहते हैं, ठीक। तो ऐसे जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा पास में आएगा, इसकी रेंज में आएगा, वो तुरंत अलर्ट कर देगी। सो दैट वाज एन दैट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सर्वेलांस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज बॉस, याद रहेगा। इंसास के ऊपर आते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फुल्ली इंडिजिनस, यानी पूरी की पूरी हमने खुद बनाई है हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये करता क्या है? ये मैरीटाइम ऑपरेशनल पिक्चर्स फ्रॉम नेवल हेडक्वार्टर टू ईच इंडिविजुअल शिप इन द सी टू एनेबल नेवल कमांड एंड कंट्रोल। इसका मतलब समझिएगा क्या होता है, अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या है तो ये रियल टाइम में हाई क्वालिटी पिक्चर्स एंड सर्वेलांस सिस्टम और उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, इट एस्टैब्लिशेस अ वेरी हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन सिस्टम। और अगर एक शिप को दूसरे शिप के असिस्टेंस के लिए भी आना है तो इट मेंटेन्स अ वेरी हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम एज वेल, कि जहां पर भी अगर इफ देयर इज अ शिप इन डिस्ट्रेस, आइडेंटिफाई कौन कौन से ऐसे शिप्स हैं जो बिल्कुल पास में हैं एंड विच कैन रीच, सबसे जल्दी कौन पहुंच करके उसका हेल्प कर सकता है, दैट इज इमसास। कमिंग ऑन टू एस्ट्रा, ये क्या है? दिस इज फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये क्या करेगी? ऐसी मिसाइल है जो कि अगर नहीं टारगेट दिख रहा है तब भी फायर कर देंगे, दैट इज एस्ट्रा MK1। ये सुखोई जितने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये लग, जितने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं ना उनमें भी हमारी ये लग सकती है, एंड दैट इज अ गुड फीट। तो एस्ट्रा MK1 आपको नाम याद करने होंगे थोड़े से, क्योंकि ये नाम आपसे पूछता है। एस्ट्रा MK1, इमसास एंड बॉस, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड DRDO द्वारा है और आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? पीछे ये वाली चीज कौन सी थी? आपने देखा एस्ट्रा MK1 एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। मिसाइल दो तरीके की होती है, देखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो कि क्या करती है, ऐसा यहां से उड़ती तो है, काफी ऊपर जाती है, पता क्या करती है, ये काफी ऊपर जाएगी, दिखेगी नहीं कि कहां पर क्या है, किसी को आते हुए नहीं दिखेगी। और जब गिरती है, मान लीजिए यहां पर गिरनी है, तो ये यहां पर ऐसे नहीं जाएगी, ये जाती है इस तरीके से, ये बिल्कुल ऊपर जाएगी, एंड देन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट विल कम एंड स्ट्राइक दिस पॉइंट। ये ऊपर जाती है एंड देन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट हिट्स इट टारगेट। और इसमें आप कोई भी, आप न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन फायर कर सकते हैं, केमिकल वेपन फायर कर सकते हैं, कैसा भी वेपन जो होता है वो इससे फायर किया जा सकता है, ठीक। और काफी हाई लेवल एक्सप्लोजिव जो है वो इन मिसाइल्स में रखे जाते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो कि कैपेबल ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, मिसाइल्स जो होती है उनको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। आई नेक्स्ट पर आ रहे हैं इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल, आपने देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे डाल दिया आपके देखने के लिए कि इनकी रेंज क्या है। 150 किलोमीटर से लेकर के हमारे पास 5000 किलोमीटर तक की रेंज है, 5000 किलोमीटर। यानी अगर 5000 किलोमीटर देखा जाए तो मोटा मोटा आप अरुणाचल प्रदेश में बैठ करके पाकिस्तान के आगे तक, अरुणाचल प्रदेश में बैठ करके पाकिस्तान तक में आप मार सकते हैं किसी को भी, पाकिस्तान के और आगे भी, क्योंकि हमारा ईस्ट वेस्ट कितना है, लगभग 3800 किलोमीटर का है हमारा। चलिए अब आप देख रहे हो यार, बहुत बड़ी रेंज है, आप समझ रहे हैं, 150 किलोमीटर से लेकर के आप समझिए 5000 किलोमीटर तक की हमारी बैलिस्टिक रेंज है। दिस इज अ ह्यूज रेंज, राइट। अच्छा ये भी बता दूं, सो देयर आर कंट्रीज व्हिच आर हैविंग 15,000, 18,000, 20,000 किलोमीटर्स का बैलिस्टिक रेंज, यानी वो अपने कॉन्टिनेंट पे अपने घर पे बैठ करके उड़ा के किसी को भी मार सकते हैं। सो वी आर ऑल्सो डेवलपिंग ऑन दोस फ्रंट्स। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दो लोन अग्रीमेंट हुए हैं ADB और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। कौन कौन से लोन अग्रीमेंट हुए? ADB का काम क्या होता है, मुझे खाली यहां पर आपको यह समझाना है। ADB का काम आम मेन तौर पर यह होता है, समझिएगा, दिस वन, ऑलराइट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, अक्साई चेन भी कैप्चर है, आप लोगों के डाउट्स हो तो पूछ लो, अक्साई चेन भी कैप्चर्ड पार्ट है। अक्साई चेन बेसिकली क्या था, ये उनका था बेसिकली, पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा था, बाद में क्या हुआ यार, दे दिया गया किसको, बाद में ये दे दिया उन्होंने चाइना को, गिफ्ट कर दिया। अब अक्साई एक तरफ POK है, एक तरफ अक्साई चीन है, बीच में एक छोटा सा एक बैटल ग्राउंड है जो बाकी है, जहां पर इंडियन आर्मी पोस्टेड है। अगर उन्होंने वो बैटल ग्राउंड भी छोड़ दिया तो ये दोनों मिल जाएंगे, और इंडिया का क्राउन जो है वो एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, वो ऐसा बैठा रहेगा उसके ऊपर, दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए कमिंग ऑन नेक्स्ट वन, सो लोन अग्रीमेंट क्या है ADB एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, मतलब अब ये $300 का एक लोन हुआ है।
बेसिकली मेरे को आपको जो समझाना है वो सिर्फ ये है कि एडीबी देखो क्या करता है, एशियन कंट्रीज और पैसिफिक कंट्री। पैसिफिक कंट्री कौन सी होती है, जो पैसिफिक ओशियन के पास में होती है, जैसे जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ये सारा मलेशिया वगैरह हो गया। तो ये पैसिफिक कंट्रीज है, पैसिफिक कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को पैसा भेजते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। कैसे ये समझिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। देखो ऐसा सोचो यार, मान लो भारत को चाहिए पैसा, है ना, भारत को चाहिए पैसा, कैसे, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, यानी उनके वहां कोई डेवलपमेंट होना है, उसके लिए उनको चाहिए पैसा, ऑब्वियसली बात है चाहिए होगा। किससे मांगेंगे जाकर के, अपना बजट में तो उनको वो अप्रूव नहीं हुआ, बजट में मान लो नहीं कर सकते, मान लो कि बजट में जगह ही नहीं है कि वो पैसा ले पाए, जितना पैसा आता है उतना पैसा खर्च हो जाता है, तो उनके पास जगह नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट लाने के लिए अगर कोई भी उनको ऐसी चीज करनी है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, तो किसी ना, हमें जब घर बनवाना होता है तो हम बैंक से लोन लेते हैं। इसी तरीके से देश की सरकारों के लिए भी क्या होता है, लोन होता है। कौन सा लोन होता है, वो कौन सा बैंक देता है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये स्पेसिफिकली काम करता है एशियन कंट्रीज और पैसिफिक कंट्रीज को लोन देने के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका आपको दिया हुआ है, प्रेसिडेंट कौन है आपको ये भी मालूम है। अब जरा देखिएगा इन्होंने कब कब भारत को हेल्प करी थी, जब भारत में सुनामी आई थी ना, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एकदम अर्जेंट नीड आ गई थी, तो इन्होंने भारत को $105 मिलियन दिए, यानी लगभग लगभग 700 करोड़ रुपए का जो लोन है वो तुरंत का तुरंत किसने दिया, 700 करोड़ रुपए का लोन जो है वो एडीबी ने दिया। और ये ग्रांट भी देते रहते हैं, जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, कोरोना के टाइम पर इंडिया को $1.5 बिलियन का पैकेज मिला है, $1.5 बिलियन समझते हैं, 10,000 करोड़ ये पैकेज मिला है उसको सही करने के लिए, कोरोना पैंडेमिक को अपने इंडिया में सही करने के लिए 10,000 करोड़। दिस इज ह्यूज पैकेज, सबसे बड़ा पैकेज अगर किसी को मिला तो इंडिया को मिला है। और समझिएगा, इस बैंक ने एशियन कंट्रीज को $20 बिलियन दिया है, राइट, $20 बिलियन ग्रांट के रूप में दिया है कि भाई ऐसा है, कुछ लोन कुछ ग्रांट कि आप लोग इस पैंडेमिक को सही करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट के रूप में दिया है। कौन इसका पार्टनर, कौन इसका पार्ट है, कैसे यहां पर पैसा आता है, चाइना इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इस जो बैंक है उसमें, कुछ स्टेक होल्डर होता है यानी कितने लोगों का हिस्सा है, चाइना इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन एडीबी फॉलोड बाय इंडिया, सेकेंड स्टेक होल्डर कौन है, भारत है इसमें, क्लियर है, वेरी गुड, ओके, वेलकम एवरीवन। चलो सारी बात समझ आ रही है ना यार, एवरी सिंगल थिंग कि एडीबी का काम क्या है, क्या नहीं है, कैसे कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं, अगली न्यूज के ऊपर हम देख रहे हैं, हमारी दो न्यूज और बाकी हैं अभी। सो अब हम आ रहे हैं माइनॉरिटी डे क्या होता है। यार ये इतना जबरदस्त न्यूज है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताता हूं। मैंने आपसे अभी बोला था मैं आपका IBACIO का पेपर आपको अभी करवाऊंगा, 2017 का IBACIO पेपर, पहला क्वेश्चन पता है जीएस का उसमें क्या है, कि भारत में माइनॉरिटी जो है वो किसको मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीजनल रिलीजियस माइनॉरिटी को ही माइनॉरिटी बोलते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी को माइनॉरिटी बोलते हैं, या लिंग्विस्टिक को बोलते हैं, या सिर्फ लिंग्विस्टिक को बोलते हैं, या फिर रीजनल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों को बोलते हैं, इस तरीके के 3-4 ऑप्शन थे। अब देखिए हमने माइनॉरिटी इतनी बार सुना है, बट वॉट इज Actually, the minority, we don't know that. And that was the question in IBACIO के पेपर में, GS का पहला सवाल 2017 के पेपर में यही है कि minority किसको बोलते हैं, minority minority तो हम पढ़ते हैं, समझिएगा। Actually, में minority सिर्फ और सिर्फ बोलते थे religious minority को, सिर्फ और सिर्फ religious minority को minority बोला जाता था ये। लेकिन DAV versus the state of Punjab के Supreme Court ruled कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी को माइनॉरिटी नहीं बोलेंगे, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अब हम क्या करेंगे, माइनॉरिटी बोलेंगे। सो इस समय हमारे पास माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को हम बोलते हैं ये माइनॉरिटी, ठीक। एंड आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक अप्रोच। आपको देखा मैंने पॉलिटी में आपको क्लास में जब पढ़ाई है, मैंने आपको ये बात बताई भी थी, आर्टिकल 30 ये बोलता है कि अगर आपकी कोई ऐसी भाषा है, लिपि है, तो आप उसको पूरी तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। उसमें मैंने टर्म यूज किया था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो आर्टिकल 30 के तहत रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक होता है भाषा के हिसाब से, दोनों ही माइनॉरिटीज हमारे भारत में माइनॉरिटी मानी जाती है, समझ गए। चलिए, सो माइनॉरिटी डे होता है हर साल 18 दिसंबर पे, ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इसको ऑब्जर्व करता है। आप लोग ये बताइए ये कैसा कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, जल्दी से बताएंगे क्विकली, कम ऑन।
What happens when a country fails to pay the loan amount back? Well, if someone is a defaulter, you see, countries cannot be defaulter. उनके ऊपर लोन का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये हो जाएगा. When they truly default, so far none has defaulted. फिर ADB will ask the member countries, देखो इनके ऊपर ना ट्रेड सैंक्शन लगाओ, इनके पास पैसा है ये दे नहीं रहे. क्योंकि देखो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंट्री के पास पैसा ना हो, है ना? तो वो सैंक्शन के लिए बोलेंगे इनके ऊपर सैंक्शन लगा दो, क्योंकि ये हमारे पैसा देने में क्या कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं. दिस कुड अराइज अ केस, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है. चलिए, ऑल राइट. अच्छा, कितने दिनों में बताइए, कितने लोगों को यह बात नहीं मालूम है कि स्टैट्यूटरी क्या होता है एंड संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? बिंदास बताओ, कितने लोगों को नहीं पता है कि स्टैट्यूटरी क्या होता है और संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? सुनना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, चाहे इनिशियली ही या अमेंडमेंट के थ्रू. कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बात करी गई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, चाहे पहले से लिखा हो चाहे अमेंडमेंट के थ्रू लिखा गया हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं. स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनी होती है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनी होती है. समझ गए? ये बॉडी बनी होती है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से, यानी कि सरकार ने सरकार ने संसद में एक बिल पास करा, उस बिल से एक्ट बन गया कि अब हम एक नई बॉडी का गठन कर रहे हैं. तो जो भी बॉडी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट का मतलब क्या होता है, एक कोई एमपी बिल लाया होगा, बिल के ऊपर डिस्कस हुआ होगा, वोटिंग हुई होगी, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा दूसरी जिस भी जहां से ओरिजिनेट हुआ उसकी दूसरी जगह गया होगा, वहां वोटिंग हुई होगी, फिर प्रेसिडेंट साहब ने साइन करा होगा, तब वो एक्ट बन गया. सो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से जो चीज स्टैब्लिश होती है उसको अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी. तो ये जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. क्लियर हो गया? बढ़िया से, राइट? Very well. Let's move on to next one then. तो क्या है? To safeguard the constitutionally granted rights of religious minorities of India. ये काम सिर्फ करेगा, समझना, ये सिर्फ और सिर्फ religious minority के ऊपर काम करता है, ये linguistic minority पे काम नहीं करता है इंडिया में. ये आइए चलिए, ये सब थोड़ा सा आपके पढ़ने के लिए, कब हुआ था कब नहीं हुआ था ये वाली कहानी है. चलिए, और ये सब 18 दिसंबर 2013 को हमारे पास ये पहली बार ऐसा हुआ था. चलो, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, इसके बारे में देख लेना. 1992, ये है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट आई थी, 1992 में ये एक्ट पास हुई थी और तब बना था ये आपका माइनॉरिटी बॉडी. अब समझिएगा यहां पर क्या है. आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए आपकी पॉलिटी क्लास में, कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अच्छा, ये एक और चीज है. चलो खैर, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको अभी और नहीं बताऊंगा. बहुत इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट का एक केस याद आ गया जो कि पंजाब में हुआ था. आर्य समाज ने किया था. आर्य समाज ने बोला हम माइनॉरिटी हैं. आर्य समाज ने बोला हम माइनॉरिटी हैं क्योंकि पंजाब में हिंदुओं की संख्या कम है तो हमें माइनॉरिटी गिना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, आप पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह था कि माइनॉरिटी हमेशा स्टेट वाइड देखी जाएगी, नेशन वाइड नहीं, आप पूरे इंडिया में नहीं देख सकते. फिर इसी बात को लेकर के आर्य समाज ने बोला कि हम तो माइनॉरिटी हुए, इसका मतलब पंजाब में वहां तो सिख ज्यादा है, हम तो हिंदू हैं तो यहां तो कम, हमें माइनॉरिटी में गिना जाना चाहिए और सारे जो बेनिफिट्स हैं हमको दिए जाने चाहिए. खैर, अभी फिर कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुए, हम क्या करेंगे इनको कभी पॉलिटी की क्लास के लिए रखेंगे. अभी एकदम से मुझे वो सुप्रीम कोर्ट का केस याद आ गया, आपसे कभी बाद में डिस्कस होगी. अभी हमारे पास एक आखिरी न्यूज आ रही है इस समय, बस फिर हम लोग क्या करेंगे, हुनर हाट आपके पढ़ने के लिए है. ठीक है, हाँ, यहां पर आ जाइए. बस दिस इज द लास्ट न्यूज ऑफ टुडे, नेशनल रेल प्लान. So, the National Rail Plan, समझना, देखिएगा, देखिए यहां नीति आयोग अगेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यहां पर भी ये भी पास करके बनाया गया है. अ ड्राफ्ट फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ इंडियन रेलवे, इसका मैं आपको की पॉइंट बताता हूं. देखो एक्चुअल में क्या है यार, भारत का सरकार को ना रेलवे सही करना बहुत जरूरी है, अगर सही नहीं करेगी ना तो इंडिया में इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा. क्या आ जाएगा? ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है नेशनल रेल प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा. तो यहां पर ये क्या क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखिए ऐसा है, हमने ड्राफ्ट बना करके, तो हमने ड्राफ्ट बनाया है, सुनिएगा, हमने क्या करा है, ड्राफ्ट बनाया खाली इंडियन रेलवे ने कि ऐसा ऐसा करेंगे. क्या क्या करेंगे? 2030 तक हम क्या करेंगे टू केटर ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ अप टू 2050, यानी हम 2030 के पहले ही इतनी ज्यादा अपने म्यास, अपने पास सप्लाई इतनी कर लेंगे, अपनी ट्रेन इतनी बढ़ा लेंगे, अपनी सीटिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेंगे कि वो 2050 तक की जितनी डिमांड आने वाली है उस सबको कैटर कर लेगी. उसके बाद इंडिया में जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ना, अभी उसमें से 27% लोग जो है वो इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं.
इंडियन रेलवे का बोलना है कि हम इसको क्या कर लेंगे, 45% के ऊपर लेके चले जाएंगे। 45% इज अ ह्यूज नंबर। देखो जितना भी छोटा व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी हो गया, या मान लो ड्राई फ्रूट्स का व्यापारी हो गया, सुपारी कत्थे बीड़ी का व्यापारी हो गया, ये सब ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं बड़े शहरों में जाकर के सामान लाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत पैसा जो होता है रेलवे को मिलता है, स्पेशली इन लोगों से, छोटे व्यापारी जो होते हैं इनसे बहुत पैसा आता है यहाँ पर, क्योंकि इनका गुड्स, ये लोग अपना गुड्स बहुत भेजते हैं मालगाड़ी और इन सब चीजों से। तो ये सरकार, इंडियन रेलवे यही बोल रही है कि हम 27-45% कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। फिर ये बोल रहे हैं कि हम अपने सारे ट्रेन्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे 2030 तक। इट इज सेइंग वी विल बी हैविंग 100% इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन्स बाय 100% इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन्स बाय 2030। व्हाई दे आर सेइंग दैट, अगर आपको याद हो तो आज से 6-7 दिन पहले मैंने आपको पेरिस अग्रीमेंट पढ़ाया था। मैंने बोला था 2030 तक कंट्रीज ने बोला है कि हम कार्बन एमिशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे, याद आया? यही कारण है कि इन्होंने बोला है दो, क्योंकि इंजन इतना ये यूज करते हैं, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, सब ये स्टीम इंजन कह रहा हूं, डीजल इंजन ये यूज करते हैं, उसमें बहुत पॉल्यूशन होता है, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि हम फॉसिल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे 2030 तक। पूरा भारतीय रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे चलेगा, सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होंगी यहां पर। फिर इसीलिए जितनी नई ट्रेन आ रही है अगर आप देखोगे ना, तो वो सारी इलेक्ट्रिकल ट्रेन आ रही हैं, कोई भी पुरानी ट्रेन जो है अभी इस समय, पुरानी ट्रेन जो डीजल की है वो है, नई ट्रेन जितनी आ रही है मैक्सिमम ट्रेन उसकी कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन आ रही है, वो इसी के लिए है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। विजन 2024 क्या बोल रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030। ठीक, आओ नेक्स्ट पर आ रहे हैं, इंडियन रेलवे के बारे में आप देख चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपकी क्लास है 11 बजे से एमसीक्यू की, उसको एनरोल कर लीजिएगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर बोगी बिल बना हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज है, सबसे बड़ा, ये असम से अरुणाचल प्रदेश में ये सवाल आ सकता है कहां बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है बोगी बिल ब्रिज, एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर टुडेज क्लास। जितने भी लोग इसके लिए पूछ रहे हैं कि क्लास जो है वो आपका जो नया बैच है, आप लोग पहले तो एक काम करेंगे, जाकर के इसको एनरोल कर लीजिए अभी तुरंत ही। ये एमसीक्यू क्लास है, ये 15 से 20 मिनट ही होगी। आज जो करंट अफेयर पढ़ा है ना आपके पास, 5 से अभी 11 बजे शुरू होगी। मैं अभी अपनी फाइल जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन SRV, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अमन SRV, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको अभी तुरंत का तुरंत मैं PDF दे रहा हूँ, PDF मिल जाएगी, और इसी जो आज पढ़ाया है उसी के ऊपर क्विज लूंगा कि आपको कितना याद है। ठीक है, और ये जो क्लास है मेरी, ये 7:30 बजे होगी, होती है बेसिकली। टेलीग्राम चैनल पर ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कौन सी क्लास जो है किस समय हो रही है। IBACIO का जो IBACIO की जो डिटेल है वो भी मैं टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा। और एक और चीज आ जाएगी आपकी यहां पर, ये आपको यूज कैसे करेंगे नोटिफिकेशन, बेसिकली यू विल बी यूजिंग द स्पेशल डिस्काउंट कोड, डिस्काउंट किया, ये फ्री कोड है बेसिकली लैब, आपको जो भी स्पेशल क्लास मेरी लेनी हो ऐसे नहीं ले पाएंगे, आपको अनलॉक करनी पड़ेगी स्पेशल क्लास फ्री के लिए, तो अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड आपका ये है। जो लोग बैच के बारे में पूछ रहे थे, देखिए ये एक बैच आ रहा है, ये एक बैच आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर्स जो है, जितने भी टीचर्स हैं आपके पास अभी यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं ऑल दीज टीचर्स आर कमिंग अप इन वन सिंगल बैच। मैं नहीं हूं इसमें क्योंकि मेरा बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, मेरे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर आप इनका बैच ले रहे हैं तो आप मेरा बैच भी ले सकते हैं, मेरा ऑलरेडी ऑनगोइंग बैच है। ये कल से एक बैच शुरू हो रहा है 21st of December। दिस इज एन अमेजिंग बैच, मतलब जीरो लेवल से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं, जो लोग नए हैं, जो अभी अनअकैडमी प्लस पर नहीं है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, आप इस बैच में, राइट। और 21 तारीख से आ रहा है ये, और ये ध्यान रखना यहां पर 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं कल से। ठीक है, क्या क्या है यहां पर, सिलेबस कवरेज तो ही है, PDF स्टडी मटेरियल भी है, ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर देयर, देन लाइव टेस्ट और क्विजेस भी होंगे, आप जितनी बार ये लेक्चर देखना चाहें उतनी बार देखें आप आराम से, एंड लाइव क्लासेस तो डेली का डेली है ही है। सो ये जो बैचेस हैं, एक कंप्लीट बैच SSC CGL 2021 का आ रहा है, फाउंडेशन बैच आ रहा है, एंड देन आपका यहां पर हिंदी मीडियम के लिए कई बार ये हो पाए कि सर अपने को सिर्फ हिंदी में पढ़ना है, हमें अंग्रेजी नहीं समझ में आती, हम सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस हिंदी मीडियम बैच एज वेल। हिंदी मीडियम बैच से क्या होगा, अगर आपको प्योर हिंदी मीडियम अगर आपको चाहिए तो, राइट, ओके, हाय तुषार, वेलकम। अच्छा हाँ, और सुनिएगा, 21 तारीख से, कल से एक और बैच आ रहा है, मेरा अपना बैच जो है, क्योंकि मेरे जो बैचेस होते हैं वो काफी डीप होते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू होते हैं और काफी ऊपर लेवल तक जाते हैं, बहुत जीरो लेवल से शुरू होके, तो कल से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस में। आप अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको ये बैचेस तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में मेरा एक, मैं अभी टॉप, ये जो अभी हमारे जो कंप्लीट बैचेस है उनकी बात कर रहा था, मेरा जो कल से एक बैच शुरू हो रहा है, दैट इज
दी ज्योग्राफी बैच हम जीरो लेवल से लेकर के बिल्कुल बेसिकली यूपी पीसीएस के लेवल तक की, प्री लेवल तक की हम उसमें ज्योग्राफी हम उसमें पढ़ेंगे हम उसमें, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस का इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा क्या है। फाउंडेशन बैच है इसमें ये, और ये आपका हिंदी मीडियम बैच है, ठीक है। ये 6 महीने का रहेगा, ये आपका मई तक हो जाएगा आपका कंप्लीट ये वाला। और आपको लेने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर ये आपकी प्राइसिंग है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं यार, 31st of December से अनअकैडमी इज गोइंग टू इंक्रीज दी प्राइजेस, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ धीमे धीमे महंगा हो रहा है, तो बिजली भी महंगी हो गई। परसों क्या हुआ पता चला, हमारे घर में 7 रुपए यूनिट बिजली से 8.5 रुपए यूनिट बिजली कर दी गई यार, बताओ। फिर हमने बोला भैया पैसा बढ़ना तो ठीक है। तो फिलहाल ये है कि आपका ये आपका रहता है, और हाँ अभी कुछ टाइम के लिए डिस्काउंट्स आर वर्किंग, सो यू कैन यूज दिस स्पेशल डिस्काउंट कोड लैब, यू कैन यूज दिस स्पेशल डिस्काउंट कोड लैब LAB, तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको ये मिल जाएगा। ये आप यहां पर लगाते हैं LAB, और आपका जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा ना आपको वो मिल जाएगा। अभी कोई डाउट तो नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई बढ़िया से। ऑलराइट, ज्वाइन कैसे करना है, आपने कुछ नहीं, आप अनअकैडमी प्लस को आपको सब्सक्राइब करना है, बताता हूं आपको। अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करना है, नॉर्मल एंड फाउंडेशन बैच में डिफरेंस बताऊं, मैं बताता हूं। देखो एक्चुअल में क्या है, मेरा GAGS बैच जो है ये कल से ही शुरू हो रहा है, नया बैच मेरा, मैं आपको अभी तो कंप्लीट बैचेस बता रहा था, मेरा जो GAGS का बैच है वो कल से शुरू हो रहा है, और मेरा 100 आवर्स अरिथमेटिक बैच में कल से प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है, ये बहुत ही जीरो लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी एनरोल कर सकते हो। मतलब 21 तारीख तक एनरोल करने के काफी ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि 21 तारीख को मेरे खुद के 2 नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसका कि कोई रिलेशन नहीं आपके प्रीवियस टॉपिक से, ठीक है गाइस। कैसे एनरोल करना है मैंने बताया कि आपने क्या करना है, आप अनअकैडमी प्लस पर जाकर के सब्सक्रिप्शन लेंगे, और डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें आप स्पेशल डिस्काउंट कोड LAB लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं, आपकी करेंगे बाय बाय आपसे, और हम मुलाकात करेंगे कल, ठीक है। संडे की क्लास की टाइमिंग 10 बजे होती है, बाकी डेली मेरा करंट अफेयर सुबह 7:30 बजे होगा। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स ले रहे हैं, आपको इसके अलावा कहीं दुनिया में कोई करंट अफेयर ना लेने की ना पढ़ने की जरूरत है, ना मैगजीन लेने की जरूरत है, कुछ नहीं। I'll cover everything along with the question. क्वेश्चन के लिए हम लोग मुलाकात करेंगे अब भी अपनी MCQ क्लास में। MCQ क्लास को एनरोल कर लीजिएगा, 11 बजे से फ्री क्लास है, मैंने बताया अकेडमी प्लस पे फ्री क्लास है मेरी, स्पेशल क्लास होगी MCQs की आज के, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा अमन SRV, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा आराम से। तो मैं उसके ऊपर आज की PDF डाल दे रहा हूं, उस PDF में तुरंत का तुरंत क्या करना, एनरोल कर लेना, मतलब उसको पढ़ लेना पूरी PDF को, क्योंकि मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मुलाकात करते हैं।